आप सब लोग जानते हैं कि हैदराबाद में रिकॉर्ड तरीके से पानी पूरे मोहल्लों में बस्तियों में ख़ास तौर पर सलम बस्तियों में आ गया। तो तीन चार दिन से हम हर जगह हमारा कांग्रेस पार्टी की रेस्क्यू टीम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की रेस्क्यू टीम काम कर रही है। आज हम मलकपेट में यानी चादरघाट ब्रिज के नीचे मालूम हुआ कि 5 दिन से लोग बहुत ही परेशान हैं, तो उनकी परेशानी मालूम करने के लिए और साथ ही साथ खाना और कुछ लोगों के लिए कपड़े, कुछ लोगों के लिए ब्लैंकेट्स और साथ ही साथ कुछ जो लोग बिल्कुल ही गरीब हैं, जैसे कि अभी एक और पीली के एक ही बेटा पोतरा है 20 साल का बह गया पानी में, अभी तक नहीं मिला, ऐसे लोगों को कुछ हम फाइनेंशियल भी खिदमत करेंगे। कि ये नहीं है से हम आए, ना इलेक्शन नहीं है, वोट नहीं है, ना किसी पार्टी के खिलाफ बोलना, ये इंसानियत का है। जब कभी भी अल्लाह ताला का जब एक तूफान या कोई भी जिसका जलजला ऐसे कभी जब आते हैं तो ऐसे टाइम पे सब मिल के करते हैं, ना मज़हब को नहीं देखा जाता है, दौलतमंद नहीं, गरीब नहीं, पार्टी नहीं, इंसानियत की खिदमत। अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा कि अल्लाह जल्ले जलालहु इंसानी खिदमत को बहुत खुश होते हैं। हम वो
हदीस शरीफ पे चलते हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पे चलते हुए हमसे जो बना है हम वो तकसीम करने के लिए हम आए। लेकिन यहाँ पर जो गुंडागर्दी देखे, हम अखबारों में सुन रहे थे इलियास शमशी को मारा गया, वहाँ पर हाफिज़ बाबा नगर पे गौस साहब के ऊपर, और वहाँ पे यानी MIM का जो एरिया के अंदर कोई नहीं आना, ना खुद बांटते चौराहे और ना दूसरों को बांटने नहीं दे रहे। ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा जुल्म है? वो तो मर रही है, अभी एक औरत आके बोल रही कि मेरा बच्चा, मेरा पोतरा, क्या खाना कौन साहब? अरे उनके आंसू नहीं दिख रहे तुम लोगों को? उनकी आहट तुम्हारे को सुनाई नहीं दे रही? गरीबों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही तुम लोगों को? बड़े बड़े बंगलों में बैठे हुए हैं, अरे 52 साल से तुम लोगों को वोट दे रहे हैं, ऐसे मुसीबत पर तुम नहीं करते और दूसरों को नहीं करके दादागिरी कर रहे। इंशाल्लाह ये दादागिरी नहीं चलेगी। फिरौन की फिरौने नहीं, नमरूद की नहीं थी, ये बालखाओं की क्या रहने वाली है, छोड़ो।